आज से 49 साल पहले आज ही के दिन लोकतंत्र का गला घोटकर अपने संस्मरण को याद करने के लिए हम सभी यहां इकट्ठे हुए हैं। बातचीत का सिलसिला आगे शुरू हो उसके पहले औपचारिकताएं हम पूरी कर लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष सभापति आदरणीय जसीम भाई से कि आज के इस कार्यक्रम के आज के इस परिसंवाद के मुख्य अतिथि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ देकर और पौधा देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय जसीम जी, दौलत राम जी से, प्रोफेसर दौलत राम का आग्रह है दौलत राम जी से मेरा आग्रह है कि आदरणीय जतेंद्र कुमार जी को पुष्प कुछ देकर और तुलसी का पौधा देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिव्या तंवर जी से मेरा आग्रह है कि आदरणीय राजकुमार भाटिया जी का पुष्प कुछ देकर स्वागत करें। तुषिता भंडारी जी से मेरा आग्रह है कि पूर्व सांसद आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ देकर और पौधा देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। नदीम वारिस जी से मेरा आग्रह है कि महामना मालवीय मिशन के अध्यक्ष आदरणीय हरिशंकर जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में इस परिसंवाद में अपनी बात रखने के लिए, अपने संस्मरण को हम लोगों से साझा करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय जतेंद्र कुमार जी को। क्षमा चाहते हैं, इस स्वागत वक्तव्य के लिए मैं नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय जसीम जी से आग्रह करता हूं कि वो आए। जय हिंद। अध्याय भारत का पे आज कार्यक्रम में आप सभी महानुभाव और खास करके मैं भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में हम लोगों की इस प्रार्थना को स्वीकार किया। इसके साथ यूएसए से आए श्री जतेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी और इस कार्यक्रम का जो एक साथ नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र, मालवीय महामना मालवीय मिशन और प्रज्ञा संस्था सौजन्य से एक इमरजेंसी आजाद भारत का सबसे काला अध्याय विषय है क्योंकि हम इमरजेंसी के बाद ही हम पैदा हुए थे तो हमें तो बहुत सी चीज का अनुभव नहीं है। लेकिन जनवरी में हमारे बाबूजी आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी ने से हमारी बात हुई और वो इस इमरजेंसी इस काला अध्याय को बहुत भली भांति समझ रहे थे, जानते थे, महसूस किया था। तो इस कार्यक्रम को एक साल करने का एक इरादा, एक सोच हमने पैदा हुआ और 49वां से लेके अगले साल 26 जून 2025 तक
एक साल भारत के अलग अलग संस्थानों में, प्रतिष्ठानों में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में हम लोग कार्यक्रम, एक वर्कशॉप, क्योंकि इमरजेंसी आजाद भारत का सबसे काला अध्याय है। आवश्यकता है। मैं खास करके श्याम जाजू जी का, INS के प्रेसिडेंट राकेश शर्मा जी का, और जो बहुत लोग मैं नहीं जानता उन सब का मैं शुक्रगुजार धन्यवाद करता हूं कि वो यहां तशरीफ लाए। जय हिंद। इस पर संवाद कार्यक्रम में अपने संस्मरण को साझा करने के लिए यूएसए से हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय जतेंद्र कुमार जी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए, अपने संस्मरण को हम लोगों से साझा करें। आदरणीय जतेंद्र जी, सबसे प्रथम मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि मैं आंग्ल भाषा भी बोलूंगा। आई मीन इट मोर कंफर्टेबल विद दैट लैंग्वेज। इट्स अनफॉर्चुनेट बट आई बीन आउट ऑफ इंडिया सिंस 1965 and my background is basically belong to RSS. It's very interesting fact, with democratic countries, major democratic countries in the world have faced dark days. America, they got independence in 1776, and 1980s May, they had civil war. And finally, the Prime Minister prevailed. In France, there was revolution, and then king was thrown out. When the emergency was declared in India, when I heard it, I called some of my friends. I'll briefly describe what we did outside India. I called some of my friends, and we formed Indians for Democracy. Then, at that time, I had Indian passport. My passport was cancelled, and arrest warrants were issued against me. I had to come to India to make the plans how we proceed. So I had a meeting with Madhuravji. He was General Secretary of RSS. Incidentally, I'm 30-year OTC trained. I did my OTC 30-year in 1963. So we talked about what to do, how to proceed. So I made the arrangement for Dr. Swami to escape from India. And he went through via Sri Lanka. He went to England first. He founded Friends of India International. Then he came to United States, where we also started Friends of India Society International. He was the first president international. I was the second president. Now I'll just briefly explain the role of RSS outside India. Of course, India, they were very active. All the other parties became ineffective because once their leaders got arrested, there was no cadre to do anything. Fortunately, due to the structure of RSS, the power does not lie with the top. Power lies with the Swamsek. Ghatnayaks is the main ghatas. They are the one communication. So RSS kept on communication link and propagating against the emergency. They could not arrest all the people. They did not even know Chamalaji was so famous, but nobody had known how he lived like. I had a meeting when I visited India. I had a meeting with him just close to the police station in New Delhi. He was just Western, and nobody knew who he was, how he looked like. So that was the strength. Outside, we started
campaigning, then we started chapters, of course, in England, United States, France, Holland, Japan, Germany. And our focus was to strangely, RS is known to be like authoritarian government organization. But the RS is the one who saved, which saved the democracy in India. Campaigning against the emergency, educating the legislature and the others. A very interesting thing happened at that time. Due to the propaganda of government of India, some people were influenced that Mr. Gandhi was right. I had to happen to meet Teddy Kennedy. He had issued the statement that there is no problem in India. It's the terrorist organization like RSS which is opposing the emergency. Nobody else is doing that. So I went to see him. I said, Teddy, he said, no, I did not check it. I said, look, Teddy, he knew me. I said, look, I belong to RSS. He said, if you belong to RSS, then it must be a terrorist organization. And then finally, after that, he did not issue any statement against RSS. And we kept on pressing the Indian government whenever their representatives came to United States or England or anywhere. Our karyakartas confronted them, and they were really embarrassed all the time. Finally, Mrs. Gandhi, she did not like to be called dictator. And we were forcing and we were just emphasizing the fact there is no constitution in India. And nothing is left there. Finally, they declared emergency. Talking to the democratic system, the Indian scholars were the first one to emphasize the concept of democracy, Ganatantra. In fact, there is a very interesting story. When Alexander attacked India, the western part of India, there was some small kingdom which was democratic. He used to send his representative for discussion whether to surrender, what to do, fight. So he called the whole, thousands of people came. What is this thing? He said, we are a democratic country. Nobody has a right to represent anybody else. We all have to. He said, I can't negotiate with all these people. So that's the extreme of India. Nobody was persecuted. You could say anything. You could attack Vedas. You can attack God. There were atheists. And they were, nobody was persecuted. In fact, they were all declared as saints. So this is both extreme democratic system as well as the freedom of expression. India is the birthplace of both, beside the other concepts. Finally, when the elections were held, and that's the story everybody knows, so we must not forget this chapter, as civil war is an important chapter in the American democratic system. So this emergency is also, we stayed a democratic country, and we will, no matter what happens, because that democracy is in our blood. It's nothing new concept by given by any Western authority. It's in our blood, and RSS played a major role, both in India as well as in the foreign countries, to protect the democratic system. And we should have strong
belief in both a democratic system, the will of the people, the expression of freedom of expression, and you will see India will not only survive, it will thrive. Dhanyavad. Namaskar. यह मेरा सौभाग्य है कि अब मैं जिसे आमंत्रित करने जा रहा हूं, जब मैं प्रतापगढ़ में विद्यार्थी परिषद का जिला प्रमुख था तब आप विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजकुमार भाटिया जी को। मंचासीन सभी आदरणीय महानुभाव और मित्रों, आजाद भारत का सबसे काला अध्याय बहुत ही अच्छा शीर्षक है। आपातकाल निश्चित ही काला अध्याय था, मैं भी 19 महीने तिहाड़ में रहा था। कल ही मुझे दूरदर्शन में आपातकाल के बारे में एक प्रोग्राम में पैनल में शामिल होने का मौका मिला। मीडिया वालों की प्रॉब्लम होती है, उनको सब विचारों के लोगों को बुलाना है, तो कांग्रेस के एक नेता भी थे उसमें, तो विषय ये आ गया कि आपातकाल के बारे में कोई कांग्रेस के लोगों को खेद है कि नहीं। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति था उसको तो कुछ पता ही नहीं रहा होगा कि आपातकाल में क्या हुआ, तो वो आपातकाल का जस्टिफिकेशन देने लगा। अभी अभी मैंने राम बहादुर जी से पूछा कि कहीं कांग्रेस ने कहीं कोई खेद व्यक्त किया क्या, और मेरा मानना है कि नहीं किया तो करना पड़ेगा। आपातकाल में क्या हुआ उसके किस्से सुनाने का ये कोई अवसर नहीं है। एक बात जरूरी है कहना, और वो ये है कि इंदिरा गांधी को केवल आपातकाल तक सीमित करके हम ना देखें। आपातकाल का पहला भी और आपातकाल के बाद भी, और बाद वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब कश्मीर ये जितने उन प्रदेशों की समस्याएं उलझी और जितना दोनों बॉर्डर स्टेट्स और दोनों में जिस तरह का और तांडव देखने को मिला उसके लिए जिम्मेदार इंदिरा गांधी थी। और आपातकाल के पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इसलिए इंदिरा गांधी देश में की प्रधानमंत्री थी। हाँ, उन्होंने बांग्लादेश भी को स्वतंत्र कराने में भूमिका निभाई, उनकी प्रशंसा मैं भी करूंगा, लेकिन प्रशंसा करने लायक बहुत थोड़ा है। वो सचमुच में एक डिक्टेटर मानसिकता वाली और महिला थी, प्रधानमंत्री थी। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, दूसरी बात कहूंगा लेकिन कि इमरजेंसी खत्म हो गई, लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन दो तीन सालों में बहुत बड़ी, क्यों? देश का जो राजनीतिक नेतृत्व उसमें अक्सर जो बौनापन माया जाता है वो उस समय भी नजर आया था, ये भी हमको ध्यान रखना होगा। और मैं तुलना करूंगा 1980 और 2024 की। अभी दो दिन ही हुए, तीसरा दिन है आज लोकसभा, नई लोकसभा का। ये गर्व की बात है कि 18वीं लोकसभा हमारे देश में आई है। ये गर्व की बात है कि देश में और हमारे देश में लोकतंत्र इतना सफल रहा है। विश्व में कोई इतना बड़ा देश नहीं होगा जिसका लोकतंत्र इस प्रकार के सफलता जिसने और हासिल की हो। ये अलग बात है कि चुनाव के भी कई देश भी ऐसा है कि उसको लोकतंत्र की कीमत देनी पड़ रही है। ये जो सब हम देख रहे हैं, राजनीतिक नेताओं का बौनापन, ये लोकतंत्र की कीमत है जो हमारा देश चुका रहा है। और ये कीमत 1980 में देश ने चुकाई थी, इंदिरा गांधी फिर से आ गई थी, उस समय जो भी हुआ था।
और जो अभी का सारा अनुभव आ रहा है, मुझे लगता है कि वो भी किसी मायने में नेताओं के बोनेपन को और कम नहीं दिखाता है। ये बात मैं सबके सामने कहना चाहूंगा। मैंने उल्लेख किया और ये बात सच है, ये जो कहा जाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर ये बात सही है। और इसलिए भारत कैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और कैसे इतिहास में रहा है, मैं समझता हूं कि इसके अध्ययन की बहुत बड़ी जरूरत है। एक बात तो है ही, सबको मालूम है कि जब से भारत में चुनाव शुरू हुए, सबको मतदान का अधिकार मिला, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, महिला हो, पुरुष हो, और ये अपने आप में गर्व करने लायक बात थी। कितने देश ऐसे होंगे कि जिनकी डेमोक्रेसी की तुलना की जा सके। मैं कई बार अमेरिका की तरफ देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अमेरिका को माना जाता है कि वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। शायद आज तक एक महिला राष्ट्रपति वहां नहीं हुई। ये अमेरिका का हाल है, बाकी देशों को भी देखें तो ध्यान में आता है कि वहां की डेमोक्रेसी कहीं का उदाहरण नहीं है। और भारत तो विश्व का इतना बड़ा और देश है, जनसंख्या के हिसाब से, वोटर्स की संख्या के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी की हम कीमत भी चुका रहे हैं, वो भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र चाहिए तो सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र ये हमारे लिए आवश्यक है, ना सिर्फ भारत के लिए आवश्यक है, पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। आपातकाल की एक बात कहना चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम कि उस चीज का उल्लेख आया है कि नहीं, क्योंकि आपातकाल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, हो सकता है राम बहादुर जी मुझे करेक्ट करेंगे। आपातकाल में संघ के सरसंचालक बाला साहब देवरस जी ने 3 पत्र लिखे थे, 2 पत्र इंदिरा गांधी को लिखे प्रधानमंत्री के नाते। संघ ने 14 नवंबर 1975 से सत्याग्रह शुरू किया, लेकिन उस सत्याग्रह से पहले बाला साहब देवरस की ये कोशिश रही कि किसी तरह से सरकार को ये भरोसा हो जाए, क्योंकि उस समय आपातकाल से पहले भी और आपातकाल के दौरान भी आपातकाल से संघर्ष करने वाले संघ के ही प्रमुख लोग थे। आपातकाल से पहले भी जो सब चला था उसमें भी संघ से जुड़े हुए लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, जब पॉलिटिकल पार्टीज जयप्रकाश नारायण आंदोलन में शामिल हुई तब भारतीय जनसंघ की भूमिका रही हो, तो बाला साहब देवरस ने उस समय और इस बात की बात विवेक रखा कि कैसे स्थिति को डी एस्केलेट किया जाए। इसीलिए उन्होंने 2 पत्र प्रधानमंत्री को लिखे कि हमें कहीं ना कहीं, हम चाहेंगे कि आपके साथ बातचीत हो और ये स्थिति जो है वो डिफ्यूज हो। उन्होंने 1 पत्र विनोबा भावे जी को लिखा, क्योंकि विनोबा भावे जी को इंदिरा गांधी मिलने वाली थी, उनको पता लगा कि वो मिलने जा रही हैं, तो उन्होंने विनोबा जी को कहा कि आप उनको कुछ समझाइए। तो जहां आपातकाल में संघ के शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रकार की एक बड़ी जिम्मेदारी की भूमिका निभाई, वहां बाकी क्या हुआ आपातकाल में वो एक अलग कहानी है। मैंने जैसे कहा कि 1980 रहा हो या 2024, जिस प्रकार की जो राजनीतिक नेताओं का व्यवहार नजर आता है उसकी हमको चिंता होनी चाहिए, और 2024 में तो खासतौर पर ये बात बहुत उभर कर आ रही है कि कितना विदेशी हस्तक्षेप हुआ और उस विदेशी हस्तक्षेप ने कितना हमारे देश को प्रभावित किया। हो सकता है उसकी कुछ जानकारियां आगे आएंगी, अभी बहुत समय नहीं बीता है। आखिरी बात कहूंगा कि ये आज कार्यक्रम हो रहा है सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज, जिन्होंने बनाया, उनको कहां से प्रेरणा मिली और वो इसमें से क्या निकालना चाहते हैं ये तो वो जाने, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी का आकलन इस देश के लिए बहुत जरूरी है। जहां तक
लोकसभा चुनाव की बात है, खासतौर पर जो विपक्ष कहिए प्रतिपक्ष कहिए, वो तो फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि मोदी जी को सबक सिखा दिया। तो मोदी जी व्यक्ति को सबक सिखा दिया होगा, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व इस देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में पहली बार, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो देश को बहुत सशक्त तरीके से नेतृत्व प्रदान कर रहा है। ये गांधी खानदान के लोगों को छोड़ दें, राजीव गांधी को और इलाज की जरूरत थी और राजीव गांधी उनको साथ किसी ने भेजा, परंतु राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री थे, कितने, मैं जरा स्ट्रांग शब्द इस्तेमाल करूंगा कि कैसे नौसिखिया प्रधानमंत्री थे, वो एक अलग बात है। इंदिरा गांधी जी का तो जितना भी अध्ययन हो वो कम है। ये मान भी लिया जाए कि और भी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं तीन नाम भी लूंगा, मुझे कोई संकोच नहीं है, उसमें दो कांग्रेस के नेता थे, वो नरसिम्हा राव रहे हों या मनमोहन सिंह रहे हों, लेकिन नरसिम्हा राव किस तरह की सरकार चला पा रहे थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे, यही अपने आप में एक सवाल आता है। उनकी बागडोर किसके हाथ में थी, ये एक सवाल आता है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चला रहे थे, लेकिन किस प्रकार के मजबूरियों में चला रहे थे, तो जरा इसका विचार करना जरूरी है कि देश को आज एक ऐसा नेता मिला है जो देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले गया है और ले जाने की पूरी संभावना है। इसलिए इस बात का, और ये जरूरी है क्योंकि यहां तो ऐसे लोग बैठे हैं कि सोचने विचारने वाले लोग हैं, तो इसलिए इस बात का विचार जरूरी है। और अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, केवल तीन हफ्ते ही बीते हैं लोकसभा चुनाव का परिणाम आए, लेकिन देश को एक ऐसा नेता मिला है कि जिसके कारण देश बहुत आगे जाएगा और देश में जो भी बदलाव है, जो भी प्रगति है, वो हो पाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि किया गया डेमोक्रेसी कैसे उस समय भी बच गई और बाद में भी सरवाइव कर गई, और कैसे डेमोक्रेसी भी आगे फलती फूलती रहे और देश का भी विकास आगे होता रहे, मुझे लगता है कि आज ये हमारे लिए जरूर सोचने का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब के सवाल और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जवाब पर आधारित महावरी के सवाल है, उसमें एक अध्याय है कि एक बार गुजराल जी हमसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि क्या इंदिरा जी में और आप में समझौता नहीं हो सकता, तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने जवाब दिया कि नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों दो छोर पे खड़े हैं। एक दिन आपको यह खबर मिलेगी कि किसी चंद्रशेखर जी ने जवाब दिया क्योंकि इंदिरा जी की ट्रेनिंग जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में हुई है, तो ये प्रवृत्ति है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति पूरे कांग्रेस की प्रवृत्ति है। मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी को। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, और जिनको हम विभिन्न क्षेत्रों में एक आदर्श के रूप में देखते रहे, ऐसे आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी हमारे
हमारे बहुत ही यशस्वी राजनेता आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शिवराज चौहान जी, हमारे आदरणीय श्री राजकुमार भाटिया जी, संगठन के संबंध में जिनका बड़ा व्यापक अनुभव है, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने नेतृत्व किया है, हमारे आदरणीय जतेंद्र जी और मंच पर उपस्थित सभी मेरे बहुत आदरणीय महानुभाव और सभागार में उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बहनों भाइयों, मुझको भी इंदिरा जी की जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं दिनों वैसे तो संघ का प्रचारक था, तो देखा जाए तो गिरफ्तार होना ये कोई यश की बात नहीं थी, मुझे तो छिप करके रहना था, अंडरग्राउंड काम करना था, लेकिन हो जाता है। तो जुलाई में ही मैं पकड़ लिया गया और पहले DIR में 16 महीने और 5 महीने फिर मीसा में। बड़ा हम लोगों ने इंतजाम किया था कि DIR से निकलेंगे तो बाहर कुछ कार्यकर्ता मोटरसाइकिल वगैरह लेकर के आ गए थे, वो बाहर निकल जाएं एक बार तो लेकर के भाग जाएंगे हम, लेकिन डौड़ी में उन्होंने मीसा सर्व कर दिया और उन्हें फिर बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया। तो मेरी स्मृति व्यक्तिगत रूप से इतनी है, बाकी तो सब थोड़ी बहुत चर्चा यहां हुई भी है और मैं समझता हूं थोड़ी चर्चा होनी भी चाहिए कि मैं 16 महीने जब पीलीभीत की जिला जेल में था तो उसकी दीवारें जरा ऊंची थी, छोटी जेल थी वो, तो 16 महीने तक मुझको सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जब वो बैरक के अंदर 8 बज जाते तब उसके ऊपर की दीवार के ऊपर सूर्य दिखाई देता था। और एक रात में हम लोग वहां पहुंचा दिए गए 16 महीने के पश्चात बरेली सेंट्रल जेल में, तो जो स्मृति अभी भी है, रात में पहुंचे थे हम, सवेरा जब हुआ उठे तो सेंट्रल जेल बड़ी होती है, बरेली सेंट्रल जेल काफी बड़ी थी, तो जाड़े का नवंबर का महीना था, ओस की बिंदु पौधों पर दिख रहे थे, उसमें सूर्य की किरणें मैंने 16 महीने बाद देखी, मैं थोड़ा भावुक हुआ मैं। लेकिन आपातकाल की चर्चा मैं समझता हूं कि यहां सब आदरणीय राय साहब, आदरणीय शिवराज जी कहेंगे, लेकिन दो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मेमोरी में से गायब हो रहा है वो। एक तो ये कि अपना शासन बचाने के लिए किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया गया, संविधान में से ही गुंजाइश निकाली सिद्धार्थ शंकर रे ने और आपातकाल लग गया। और फिर जो संसद में हुआ, संसद ने स्वयं बैठ करके अपना कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा लिया, 42वां जो संशोधन है वो लगभग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वो, यानी प्रियम्बल तक बदल दिया गया। और प्रियम्बल को बदलने का इतने बड़ा भारी उसका एक महत्व है कि सेक्युलरिज्म के ऊपर, समाज सोशलिज्म के ऊपर संविधान सभा ने प्रचुर मात्रा में विचार विमर्श किया था और दोनों शब्दों को संविधान में रखने की, प्रियम्बल में रखने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने कहा है हम भारत के लोग, जो सारा जो विवरण उसका है, उसके अंदर ये भाव आ जाते हैं, इसलिए उसको नहीं रखा गया था। परंतु प्रियम्बल को इसलिए बदला गया ताकि अपने वोट बैंक को खुश करने की दृष्टि से इन शब्दों का उपयोग हो सके। और यह बड़ा भारी अपराध किया है कि संविधान का उपयोग अपने दलीय हित को प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया। ये मतलब एक तो ये कुछ बातें तो ये हैं जो संविधान को लेकर के जिस प्रकार की या उसकी अवमानना, लेकिन साथ ही ये बात कि आखिर अपने कुर्सी बचाने के लिए इस देश में जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जहां पर प्रत्येक प्रकार की वैचारिक स्वतंत्रता है, हमारे बिल्कुल वो इनबिल्ट है हमारे संस्कार के अंदर, वो हमें कहीं बुरा ही नहीं लगता कोई हमारी बात को काटता है, तो हम सहज भाव से उस विभिन्नता के साथ जीते हैं। लेकिन उस देश के अंदर
असहमति को इस क्रूरता के साथ उसको कुचलने की कोशिश हुई, यानी मैं मेरठ का रहने वाला हूं, वहां हमारे प्रदीप कंसल में नाम ले रहा हूं, नाखून उसके उखाड़ लिए गए। इन बार का जिक्र होना जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या बात थी। पीलीभीत के मैं जिला जेल में था, हमारा पूरन गंगवार एक कार्यकर्ता था, शिक्षक था, वो पेड़ से उल्टा लटका करके उसको इतना पिटाई की गई उसकी कि आज तक भी उसकी आंखें सामान्य नहीं है, वो ठीक से देख नहीं सकता है। और मैंने दो उदाहरण इसलिए सुना है क्योंकि मेरे एकदम से निकट के हैं, ऐसे उदाहरणों की संख्या पूरे देश में है। तो दोनों बातों की स्मृति आज के काले दिन इसके आज हम स्मरण कर रहे हैं तो किया जाना जरूरी है कि संविधान के साथ किस प्रकार की शरारत की गई, संविधान के साथ किस प्रकार का जो व्यवहार किया गया, कैसे उसको यानी रात को राष्ट्रपति जी को ले जाकर के और बिना कैबिनेट की मंजूरी के, कैबिनेट की मंजूरी नहीं थी, अगले दिन सवेरे 26 तारीख को उसकी औपचारिकता हुई है, उनके सिग्नेचर कर रही राष्ट्रपति। चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, ये बड़ा बहुत कष्टकारी है ये, और इसलिए उनकी स्मृतियां हमारे साथ रहनी बहुत जरूरी है। बेशक हिंदुस्तान का मिजाज, हिंदुस्तान का स्वभाव वो लोकतंत्र का है, और यदि किसी ने कभी कोई ये उसने जो किया, और संघ की भूमिका, संघ परिवार की भूमिका, विद्यार्थी परिषद की भूमिका सब जानते हैं किस प्रकार के कष्ट से परिवार के परिवार बर्बाद हुए उसके अंदर, उसमें से वो, क्योंकि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि हमारे खून में, हमारे संस्कार में, हमारे स्वभाव में लोकतंत्र है, इसलिए हम विजयी हुए और लोकतंत्र की ठीक से बहाल हुआ। अब वो अप डाउन तो चलते रहेंगे, लेकिन एक बात की जरूर मैं चर्चा करना चाहता हूं। तीसरा दिन आज संसद का है, नई लोकसभा का है, संविधान की प्रति लेकर के शपथ ले जा रहे हैं, एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव कैसे खड़ा किया जाता है। आप संविधान के प्रति समर्पित हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रत्येक को होना चाहिए, हमारी शपथ ही संविधान को लेकर के है, लेकिन जो फॉल्स नैरेटिव है, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा, चुनाव में सब धाम चलते होंगे, जो जितना जिसको समझा पाया, लेकिन इस सबको देखते हुए मुझे वो रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है। मैं दो मिनट में उसको कह करके अपना निवेदन समाप्त करूंगा। आपने कालीनेमी का चरित्र सुना होगा, वो जब लक्ष्मण को मूर्छा हो गई तब संजीवनी लानी थी हनुमान को, हनुमान ही ला सकते थे हनुमान को, कहा गया कि आप लेके आओ जी, तो रावण को ही चिंता हुई, रावण के कुनबे को ही चिंता हुई कि यदि ये संजीवनी ले आएंगे तो ला तो सकता है ये हनुमान, इसने हमको दिखा रखा है अपनी ताकत कितनी है, इसलिए इसको रोका जाए, और प्रत्यक्ष आमने सामने के युद्ध में तो इसको रोक नहीं सकते, बहुत बलशाली है, तो छद्म कुछ किया जाए, और देखा कैसे रुक सकता है ये, तो बोले इसको रास्ते में कहीं राम कथा के माध्यम से इसको डेविएट किया जाए इसको। तो फिर एक कालीनेमी नाम का राक्षस था, व्यक्ति था उनकी सेना का, उसको कहा कि तुम आओ और तुम जरा जो उड़ने का रास्ता है उसमें बीच में बैठ करके और कुछ ऐसा करो कि ये घंटे दो घंटे इसके बर्बाद हो जाए हनुमान के, क्योंकि वो संजीवनी को पहचानने में लाने में दिक्कत होगी, बस काम खत्म हो जाएगा ये। तो कथा ये आपने सबने सुनी होगी, ये मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं कि कालीनेमी ने रास्ते में बैठ करके बाकायदा राम कथा का बड़े जोर जोर से उच्चारण शुरू किया और हनुमान का धन आकृष्ट भी हुआ, हनुमान गए भी वहां पर, लेकिन हनुमान जहां बलशाली है वहां वहां बुद्धिमान भी है, उनको ध्यान में आ गया कि ये क्या कर रहा है, उनको अंततः ध्यान में आ गया कि ये तो जो है मेरे मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए यहां पर आया है, और फिर उन्होंने कालीनेमी का वध किया। ये जो फॉल्स नैरेटिव वाले जो लेकर के संविधान को और दिखा दिखा करके राम नाम जप रहे हैं, ये राम के भक्त नहीं है, संविधान के भक्त नहीं है, ये यहां की परंपरा को नष्ट करने वाले, उसको डैमेज करने वाले, उसको नुकसान पहुंचाने वाले कालीनेमी है, ये नैरेटिव हमारे ध्यान में रहना चाहिए। और आगे आने वाली चीजें इस नैरेटिव के आधार पर चलने वाली, मोदी जी का नेतृत्व अद्भुत है लेकिन वो दुनिया के कुछ लोगों को स्वीकार नहीं है, वो सौरव जैसे लोगों को स्वीकार नहीं है, उनको लगता है कि ये कहां से आ गई, अभी तक तो हम ही चौधरी थे। ऐसी चीजें होंगी और दुर्भाग्य ये है
कि हमारे कुछ लोग वो विदेशों में जाकर के भारत की आलोचना करके इस नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि आज के दिन इन बातों का स्मरण करते हुए भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आपातकाल का एक काला जो दिन था, ये वास्तव में हमको बहुत बड़ी शिक्षा देने वाला है, हमको शिक्षा लेनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इससे पहले कि अपने मुख्य अतिथि भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करूं, उसके पहले मैं चाहता हूं महामना मालवीय मिशन के अध्यक्ष आदरणीय हरिशंकर जी, महामंत्री आदरणीय वेद प्रकाश जी अपनी टीम के साथ, महामना मालवीय जी पर जो वांग्मय आया जिसके प्रधान संपादक श्रद्धेय राय साहब थे, जिसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो भेंट करें आदरणीय शिवराज जी को। आदरणीय हरिशंकर जी, वेद प्रकाश जी और उनकी टीम से आग्रह है कि आए। महोदय, सादर नमस्कार। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी का संपूर्ण बौद्धिक योगदान पर आधारित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय की प्रथम श्रृंखला के 11 खंडों का लोकार्पण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महामना के 162वें जन्मदिवस 25 दिसंबर 2023 पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। इसकी प्रति आपके कर कमलों में सौंपते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है। महामना की इस महान बौद्धिक संपदा को अन्वेषित तथा संकलित करने में महामना मालवीय मिशन की एक समर्पित टीम लगभग 4 वर्षों तक देश विदेश में अनवरत प्रयास किया है। लब्ध प्रतिष्ठित चिंतक विचारक पद्म श्री श्री राम बहादुर राय जी के प्रधान संपादक के रूप में प्रबुद्ध चिंतकों के मार्गदर्शन में ये भगीरथ कार्य संपन्न हुआ है। महामना वाङ्मय की दूसरी श्रृंखला के 12 खंडों को पूरा करने का कार्य चल रहा है। हम आपके सहयोग के आकांक्षी हैं। जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक आदरणीय गौरव खुल्लर जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मोमेंटो भेंट करें। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय जसीम जी से मेरा आग्रह है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर आधारित अविराम यात्रा पुस्तक भेंट करें। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने मुख्य अतिथि को, और यह मेरा सौभाग्य है कि जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले का युवा मोर्चे का अध्यक्ष था। मैं आदरणीय
शिवराज सिंह चौहान भारतीय राजनीति के वैचारिक प्रतिबद्धता और शुचिता के प्रतीक आदरणीय शिवराज जी को आमंत्रित कर रहा हूं संस्मरण साझा करने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके दर्शन कर पा रहा हूं। हमारी प्रेरणा बचपन से, जिनके सत्संग का सौभाग्य मिला है, आदरणीय श्रीमान राम बहादुर राय जी, आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी, आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, प्रोफेसर जसीम जी, का हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों और भांजे और भांजियों, मैं अभी बड़े असमंजस में था और संकोच में भी। बार बार कहा जा रहा है मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि। मैं अतिथि नहीं हूं, मैं तो मामा हूं। और वैसे भी अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए वो अतिथि। ठीक है बेटी। और इस कार्यक्रम में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी घर वाला हूं, परिवार वाला हूं। अभी राजन जी बता रहे थे विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी हजारों साल पहले। हम लोकतंत्र की जननी है। दुनिया में सबसे पहले गणराज्य लोकतंत्र अगर कहीं था तो वो भारत में था। एकम सद् विप्रा बहुधा वदन्ति, अभी कह रहे थे कितनी वैचारिक स्वतंत्रता अपने देश में। 13 रास्ता भी सही और 13 भी सही, जो पसंद उस रास्ते जाओ अंततः पहुंचोगे। भाई अद्भुत है अपना देश सचमुच में। मैं जो युवा है उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी वैचारिक स्वतंत्रता कहीं रही है क्या? हमारे देश में कई लोग साकार को मानते हैं, भगवान को मूर्ति में है, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, तो बोले ठीक है साकार को मानो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भगवान मूर्ति में कैसे आ सकता है, वो तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, हम इस थ्योरी को नहीं मानते, निराकार है। बोले तुम भी सही है, तुम निराकार को मानो, किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया। लेकिन कई ऐसे भी हमारे यहां हुए हैं विचारक जिनका ये तो होता ही नहीं है। एक महर्षि हुए, एक चार्वाक जी, जिनने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। उन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो, ये शरीर तो माटी में मिलने वाला, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो उनको भी उपमा दी कि ये तो नया विचार दिया, ये भी महर्षि है। विचारों की ऐसी स्वतंत्रता इस धरती पर आज नहीं, हजारों साल से रही है। और भाव आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन अपने देश ने हजारों साल पहले कहा अयम निजा परा वृत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार, जियो और जीने दो, आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। कहां ऐसी कल्पनाएं? लेकिन इसी धरती पर आज जो लोग दुहाई दे रहे हैं ना संविधान की, वो जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा ने क्या किया?
इनको तो संविधान छूने का भी हक नहीं है जो संविधान की बात कर रहे हैं। क्या किया था इनने? मैं तो बहुत छोटा था, मैं इमरजेंसी के पहले पैदा हुआ, लेकिन राम बहादुर भाई साहब और राजकुमार जी यहां बैठे हुए हैं। मैं मॉडल स्कूल भोपाल में था, एक उसका प्रेसिडेंट था भोपाल में, टीटी नगर, तात्या टोपे नगर, आजकल ये भी बदल देते हैं, तात्या टोपे नगर को टीटी नगर कर देते हैं। और स्वाभाविक रूप से उस समय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, और उस समय बिहार से और पहले गुजरात से नव निर्माण आंदोलन की ज्वालाएं चारों तरफ फैल रही थी। जैसे चमन भाई पटेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां के कुशासन के खिलाफ नौजवान निकल पड़ा, और समय बिहार में आंदोलन शुरू हुआ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गलत शिक्षा पद्धति और महंगाई के। नायक जयप्रकाश नारायण जी ने पढ़ता था, शामिल हो गए, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बनी थी उस समय, तो छोटे छोटे आंदोलन प्रदर्शन। लेकिन आप एक मानसिकता देखिए, केवल सत्ता बचा रखने के लिए नहीं, कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है, निरंकुश शासन, जो मन में आएगा वो करेंगे, और उसमें कोई बाधा बनेगा तो वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्यों ना हो, उनको भी ठीक कर देंगे। अब मैं आप में से कई को पता होगा, अगर न्यायालय ने किसी फैसले को संविधान सम्मत नहीं माना तो उस समय तीन तीन न्यायाधीश ऐसे थे जिनको डिमोट करके एक को प्रमोट किया गया था, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जो हम कहें वो करो। कहां ऐसे उदाहरण मिलते हैं लोकतंत्र? शासन का दुरुपयोग करके जीती थी, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ी। एक तरफ जेपी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, लेकिन तय किया किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। और इसलिए आपातकाल लगा, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। प्रावधान वैसे कि एक एक संविधान के संशोधन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो आज का इतना विषय भी नहीं है। गहरे सारे मौलिक अधिकार खत्म, मीसा को खतरनाक बना दिया गया। राजन जी तो मीसा और डीआईआर दोनों में रहे। आप कल्पना करते हैं, कई को पता नहीं क्या हुआ। मेरी परीक्षा थी, मैं 11वीं की परीक्षा दे रहा हूं, उस समय 10+2 नहीं हुआ करता था मध्य प्रदेश में, 11वीं और 11वीं पास करके फिर कॉलेज में जाते थे। मैं 11वीं की परीक्षा देनी थी, तो मैं तो गांव का रहने वाला, भोपाल में कमरा किराए पे लेके पढ़ते थे। आंदोलन से स्वाभाविक रूप से छात्र होने के कारण जुड़ा था। मेरी परीक्षा थी, मुझे अच्छी तरह याद है, 10 अप्रैल से 76 की बात कर रहा हूं मैं। 8 तारीख को मैं रात को 11 बजे पढ़ रहा था, दरवाजा कमरे का खटखटाया। मैं ऐसे ही पजामा और बुशर्ट में जैसे पढ़ते हैं घर में वैसे था, और तो कोई था नहीं। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले दिखाई दिए, तो बोले तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। हमें और पहले और भी दुबला पतला था। तो मेरी परीक्षा थी, तो मैंने एक बार तो ये कहा कि नहीं आंदोलन कहा, तो दूसरा बोला कि ये कहा दुबला पतला आंदोलन चलाएगा,
कोई दूसरा शिवराज सिंह चौहान होगा। तो एक घाघ से हेड कांस्टेबल थे, उनका नहीं तलाशी तो ले ही लो। अब तलाशी ली तो मटेरियल निकल गया आपात के। मैं उसके बाद आपको बता रहा हूं, चार थपाड़े तो हमारे, और जैसी गालियां दी मैं बयान नहीं कर सकता आपको। पकड़ के ले गया भोपाल के हबीबगंज थाने में, हमने नाम बदल के कर दिया रानी कमलापति उसका, स्टेशन का भी। और वहां बता ये कहां से आए तेरे पास, साइकिल स्टाइल पर्चे बाकी चीजें। और मैं सच कह रहा हूं, इमरजेंसी क्या होती है, मेरे घुटनों के जोड़ों में, कोहनियों के जोड़ों में इतने डंडे मारे गए कि आज भी जब बादल आते हैं कड़कते हैं तब हाथ और पैर दुखते हैं, एक एक जोड़ दुखता है। भयानक पिटाई। और मेरी उम्र कितनी थी, 17 साल मुश्किल से। ऐसी एक घटना नहीं थी, अनेकों घटनाएं थी। रात भर जगा के रखा, सोने भी नहीं दिया, खाने भी नहीं दिया, बता सही कर देंगे तुझे। और उसके बाद फिर वो कहानी भी 2 मिनट में बता ही देता हूं, बोले इसको रिमांड पे ले चलो। तो दूसरे दिन छुट्टी थी तो एक पटेल साहब थे न्यायाधीश, उनके घर ले गए, ले तो गए जीप में, और वहां से दस्तखत करा के फिर 2 सिपाहियों के हाथ में दे दिया कि ले जाओ, हथकड़ियां लगी हुई थी मेरे। 11वीं पढ़ने वाले किशोर के हाथों में हथकड़ियां, और फिर 2 सिपाहियों को कहा कि अब ले जाओ जेल से। तो हमें पैदल वहां से ले जा रहे थे, तो एक तांगे में कुछ बच्चे आ रहे थे, उनको लगा वो मेरी सी शर्ट हो गई थी, रात भर पिटे थे, तो उन्हें समझा कोई चोर जा रहा है ये। तो तांगे भी वो कहने लगे कि पता नहीं कौन है, चोर है क्या। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो गड़बड़ हो रही है। एक नारा उस समय बहुत पॉपुलर था, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। और तो कोई लगाने वाला नहीं था, हम ही कहते जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे और जुल्म किया तो और लड़ेंगे। तब लोगों का कितने से बच्चे को ले जा रहे। मैं पूरी गाथा नहीं सुनाना चाहता, बैरिक में हम लोग रहते थे, बीमार हुए, अस्पताल नहीं ले जाया गया, और वहीं तड़प तड़प के हमारी आंखों के सामने और हालत यह थी, केवल जेल के अंदर नहीं, पूरा देश पकड़ा जाएंगे। एक प्रभुदयाल ढोलकिया के खिलाफ पकड़ के लाना था, तो पुलिस वालों को तो टारगेट पूरा करना था, कहां प्रभुदयाल मिले। तो पता चला एक प्रभुदयाल को लाए पकड़ के, उसने कहा मैं नहीं हूं, बोल नहीं तू नहीं है तो अभी चल जाए। फिर कुछ दिन के बाद दूसरा प्रभुदयाल ढोलकिया आया, और फिर तीसरा प्रभुदयाल ढोलकिया, तीन प्रभुदयाल ढोलकिया, कोई सुनने वाला नहीं, वकील अपील दलील वो चिल्लाए मैं नहीं हूं, तीनों जेल। ऐसी हालत थी। और जेल के बाहर क्या हो रहा था, गांव में जीप घुसती थी तो लोग भागते थे, गांव खाली हो जाता था। क्यों, हमारे यहां गांव में कहते थे ऑपरेशन वाले आ गए, नसबंदी, टारगेट तय थे। मतलब क्या क्या हुआ, केवल जेल नहीं गए, हर अफसर को टारगेट तय कर दिए गए कि इतने केस तुम्हें करने हैं, तो जो मिले कर दो। बूढ़ों की कर दी, कुंवारों की कर दी, ये सच है। मैं तो गांव के गांव खाली हो जाते थे उस समय के, आ गए अतिग्रहण के नाम पे कई भवन मलबे के ढेर बना दिए गए, कोई बोल नहीं सकता, सांस लेना मुश्किल था, परिवार के परिवार तबाह हो गए कई। अब आप कल्पना करो, अगर
सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता है, संघ का रोल हम सब जानते हैं, और असली लड़ाई अगर लड़ी आपातकाल के खिलाफ तो संघ ने ही लड़ी। हम भी उसी लड़ाई के अंडरग्राउंड जो आंदोलन चल रहा था, इसलिए 76 में गिरफ्तार हुआ कि उसमें भाग लेते थे, और शायद राजकुमारी जी जानते होंगे सूर्यकांत केलकर जी को, वो सुनील गुड़बोले बन के आए थे मेरे पास, तब मैं जेल में नहीं था, उन्हीं के डायरी में मेरा नाम और पता मिला था, उसके कारण पुलिस ने मुझे पकड़ा और ढूंढा था। तो बाहर आंदोलन चलाने वाला अगर कोई संगठन था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अमानुषिक अत्याचारों की पराकाष्ठा थी। और अब ये बात करते हैं, सचमुच में ऐसा काला अध्याय कभी देखा नहीं गया, और इसलिए नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ। चुनाव भी वो तो हो गए गलत फहमी में, उन्होंने कहा कि अब कोई संगठन है ही नहीं, जनता पार्टी बाद में बनी, नेता जेल में, अभी घोषणा करके करा लो फिर भारी बहुमत से जीत जाएंगे, इसलिए चुनाव हुए, नहीं तो हो सकता तब भी चुनाव है, या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बन गई होंगी। लेकिन भारत के लोकतंत्र की खूबी, हम लोग जेलों से निकले जनवरी 1977 में, मैं तो बहुत छोटा था लेकिन आग जल रही थी, मेरी दादी माँ मुझे इतना लाड़ करती थी, जब सुना जेल चला गया तो परेशान हो गई और अंततः बीमार पड़ी, और मेरे जेल में रहते ही मुझे देखने की चाह में उन्होंने दम तोड़ दिया, वो मुझे देख नहीं पाई, शिवराज शिवराज कह के चली गई, क्योंकि नाती तो बेटे का बेटा बहुत प्यारा होता है। अब आप कल्पना कर सकते हो उन तकलीफों की, जो बिजनेस व्यापार छोटा मोटा राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता करते थे वो तबाह बर्बाद हो गए सब, क्या भुगतना होगा देश में। फिर कभी ये दिन ना आए, और उसके बाद जो हुआ उसका भी मैं साक्षी हूं। हम लोगों के पास कुछ नहीं था जब जेल से निकले, जनता पार्टी का तो अनाउंस हुआ संगठन, बाकी कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन जनता की जागरूकता, मैं आपको बता रहा हूं ये भारत की जनता, हम लोगों ने, मैं आया जेल से निकल के तो गांव से जनता पार्टी का काम करना था तो साइकिल किराए पे ली हम लोगों ने, और साइकिलों से दूसरे गांव जाते थे और फिर वहीं बिना माइक के बोलते थे इकट्ठा करके लोगों को। पहले पहले थोड़े डर रहे थे लेकिन धीरे धीरे खुलते चले गए, और फिर हम लोग झोली फैलाते थे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है चुनाव के लिए। तो आप कल्पना करें, मैं 17 साल का, कोई नेता नहीं, कोई विश्वसनीयता नहीं, लेकिन इतने पैसे मिले कि फिर हमने जीप किराए पे ले ली, और फिर इतने मिले कि सभाएं और बाकी कार्यक्रम होने लगे, फिर सचमुच में वो चुनाव जनता ही ने लड़के तानाशाही को समाप्त किया निर्णायक रूप से। ये भारत की जनता है जो भारत के जीवन मूल्य परंपराएं हैं और विचार है, उसी को वो जीवित रखेगी। हाँ, एक बात जरूर, जो आज नारे लगा रहे हैं, राजेंद्र जी ने सही कहा था, मुझे स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शब्द याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये एक नरेंद्र ने कहा था, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने, लेकिन आज दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में 100 साल बाद ये हम होते हुए देख रहे हैं। हम सब जानते हैं आखिर इतना बैर क्यों मोदी जी से, क्योंकि वो अपनी संपूर्ण सामर्थ्य क्षमता और समर्पण से एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध शक्तिशाली और एक विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज वो उपलब्धियां गिनाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन भारत के बढ़ते हुए सम्मान को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। और मेरे प्रिय मित्रों, ये मेरा विश्वास है और आज मैं ये यहां से कहने का साहस कर रहा हूं, विरोधी कितनी भी कोशिश कर ले, लोकतंत्र का आनंद है चुनाव, और चुनाव के परिणाम को कोई फिक्स है क्या सीटें कितनी जीतोगे? लोकतंत्र में कोई सीट हारते हैं, कोई जीतते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन तीसरी बार लगातार, ये व्याख्या भी गलत हो रही है, तीसरी बार लगातार संपूर्ण शानदार बहुमत की सरकार बनाने का उदाहरण 62 के बाद अगर किसी ने स्थापित किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित किया। यह बड़ी विजय है। परसेप्शन गलत बनाया जा रहा है, जिनकी 99 आई अब वो चकते घूम रहे हैं और 240 वालों से कह रहे हैं कि तुम तो हार गए। अब ये अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आती। सैकड़ा पार नहीं किया और कह रहे हम जीत गए, तो ऐसे जीतना तो कई सालों तक जीतते रहो ऐसे ही। तो आप उस दल की हालत का अंदाज लगा सकते हैं जो 99 सीटों में ही प्रसन्न होकर महाविजय प्राप्त हो गई, धन्य महाराज रो प्रसन्न है सीट। एनडीए को पूर्ण बहुमत है और इस परसेप्शन को भी बदलने की जरूरत है। अगर लोकप्रिय बहुमत मिला है तो एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी जागरूक जनता के रहते हुए लोकतंत्र सुरक्षित है, लेकिन आपातकाल के इस काले अध्याय को ठीक से जनता के सामने रखना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो अपना भारत कराएगा, और इसी रास्ते चलाएगा विकसित भारत। उसके निर्माण में हम जो सहयोग दे सके देने का जरूर प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके नानी ने जीने का अधिकार छीना और जिनके परनाना ने बोलने का अधिकार छीना, वो संविधान की प्रति लिए घूम रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष